विश्वास। राजा कृष्णदेव राय का कहना था कि लोगों को आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, जबकि तेनालीराम का कहना था कि लोग किसी भी बात पर जल्द विश्वास कर लेते हैं, हां उन्हें विश्वास दिलाने वाला होना चाहिए। तेनालीराम का यह भी कहना था कि वो किसी से जो भी चाहे काम करवा सकता है, जबकि राजा इसे असंभव मानते थे। उसने कहा, महाराज मैं चाहूं तो किसी व्यक्ति से आप पर जूता फेंकवा सकता हूं। महाराज ने तेनालीराम की चुनौती को स्वीकार कर लिया तो तेनालीराम ने कुछ समय मांगा, राजा ने भी स्वीकार कर लिया। एक माह बाद राजा ने कुर्क प्रदेश के एक पहाड़ी सरदार की सुंदर बेटी से विवाह तय किया। पहाड़ी सरदार को विजयनगर के राजाओं के रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं था। उसने राजा से पूछा तो राजा ने कहा, मुझे केवल तुम्हारी बेटी से विवाह चाहिए, रीति रिवाज तो हर प्रदेश के अलग अलग होते हैं, उसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। सरदार संतुष्ट हो गया। तेनालीराम को पता चला तो वो वहां विवाह की रस्में बताने पहुंच गया। उसने कहा, राजा कृष्णदेव राय के वंश में एक पुराना रिवाज है कि विवाह की सभी रस्में पूरी होने पर दुल्हन दूल्हे की एक जूती उठाकर राजा पर फेंकती है। सब रस्मों के साथ इस रस्म को भी पूरा किया जाए। पहाड़ी राजा ने कुछ संकोच के बाद ये सब मान लिया। जब राजा का विवाह पहाड़ी राजा की बेटी से संपन्न हो चुका तो दुल्हन ने मखमल की जूती उठाकर राजा पर फेंकी। तेनालीराम राजा के पास गया और कान में बोला, महाराज इन्हें क्षमा कर देना, ये सब मेरा किया धरा है। राजा हंस पड़े और जूती उठाकर दुल्हन के हाथ में दे दी। उसने क्षमा याचना की, क्षमा करना महाराज, रस्म पूरी करने के लिए ये सब किया है। राजा तेनालीराम से बोले, तेनालीराम तुम्हारा कहना ठीक हो गया, लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं।